सिद्धार्थ ने अगर डॉक्टर्स की इन बातों को मान लिया होता तो आज सिद्धार्थ हमारे बीच जिंदा होते। आखिरकार कौन सी बातें थी जो डॉक्टर्स ने पहले ही उन्हें वार्न कर दी थी, चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला वेल काफ़ी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थे, जैसा आप सभी को पता है। बिग बॉस के घर में भी आपने देखा था सिद्धार्थ शुक्ला अक्सर वेल जिम एरिया में वर्कआउट करते हुए नजर आते थे। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला नॉर्मल वर्कआउट नहीं करते थे, बल्कि वो अपने हैवी वर्कआउट करते थे, अपने बॉडी पर काफ़ी स्ट्रेस और पेन डालते थे, जिसकी वजह से आपको बता दूं कि ये जो कंटिन्यूस हार्ड वर्कआउट करते थे सिद्धार्थ, इसकी वजह से उनके बॉडी पर पहले से भी काफ़ी इश्यूज आ रहे थे और इसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें साफ तौर पर मना किया था। इसके पहले भी डॉक्टर्स ने उन्हें वार्निंग दी थी, यहाँ तक कि उनके ट्रेनर ने भी काफ़ी बार इस बात का जिक्र किया, इसके पहले भी उन्होंने जिक्र किया कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अगर इतना हार्ड वर्कआउट नहीं किया होता तो शायद उनके ये सिचुएशंस नहीं आते। ट्रेनर के साथ साथ उन्होंने खुलासा भी किया ट्रेनर ने कि डॉक्टर्स ने भी सिद्धार्थ को हार्ड वर्कआउट, हैवी वर्कआउट करने के लिए खास तौर पर मना किया था, लेकिन सिद्धार्थ जब भी जाते थे जिम वो हैवी वर्कआउट ही करके आते थे और लगभग वो 20 से 25 मिनट लगातार करते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। और ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन भी जब सिद्धार्थ शुक्ला, आपको बता दूं कि आए और फिर वो जॉगिंग के लिए निकल पड़े और जब वो 10 बजे के करीब आए तब उन्होंने कंप्लेन की, शिकायत लगाई कि उन्हें अनइजीनेस फील हो रहा है। ऐसे में आपको बता दूं कि शायद सिद्धार्थ शुक्ला ने अगर डॉक्टर्स की बातें मानी होती, हैवी वर्कआउट्स नहीं किया होता तो सिद्धार्थ आज हमारे बीच होते। आपकी क्या है राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के साथ।